Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In the current lecture of microwave electronics, we will discuss about velocity modulation in reflex klystron. We have already discussed about reflex klystron and also velocity modulation in two cavity klystron. Now, here we will discuss about velocity modulation in reflex klystron. So, here we will discuss velocity modulation in especially reflex klystron. So, velocity modulation, when electron move inside the microwave tube, their velocity varies. तो जब भी electron microwave tube के अंदर move करते हैं तो उनकी velocity vary करती है, velocity change होती है. The process of the variation in the velocity of electrons is known as velocity modulation. और electron के velocity के variation का ये जो process है, इसको हम velocity modulation कहते हैं. As we mentioned that the early electrons, that is EE, penetrate deeper in the repeller region than the reference electron. So, single cavity klystron, ये reflex klystron की working मैंने बताई थी और उसमें मैंने कहा था कि early electrons की speed ज्यादा होती है, वे high velocity से निकलते हैं, इसलिए वो repeller region में ज्यादा अंदर तक penetrate होते हैं in comparison to reference electrons. एंड रेफरेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन थे जिनकी वेलोसिटी वेरी नहीं होती है, मींस जिस वेलोसिटी से वो कैथोड से बाहर निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं उसी वेलोसिटी से वो मूव करते हैं. सो अर्ली इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट डीपर इन द रिपेलर रीजन देन द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो इन रिटर्निंग बैक टू द कैचर कैविटी EE will take more time than ER. So, reflex klystron में एक ही cavity थी जो हमारे bunched cavity and catcher cavity दोनों का work करती है. तो ये जो early electrons हैं, ये reference electron के comparison में repeller region में deeply penetrate हो जाते हैं, इसलिए इनको वापस resonator cavity या कैचर कैविटी तक पहुंचने में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है. इन दिस वे द वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वेरी एंड दिस प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन. और इस टाइप से मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी वेरी करती है और हमने कहा है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के वेरिएशन का जो प्रोसेस है वो हमारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है. ड्यू टू दिस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स गेट बंच्ड व्हेन दे रिटर्न बैक टुवर्ड्स द कैचर कैविटी. इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब वापस कैचर कैविटी की तरफ आते हैं या रेजोनेटर कैविटी की तरफ आते हैं तो एक बंच की फॉर्म में वापस लौटते हैं इस वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के कारण. इफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन कैथोड एनोड रीजन बी एक्सेलरेटेड बाय अ डीसी एनोड वोल्टेज वी नॉट देन द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम विल बी. सो अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड एनोड रीजन में से डीसी एनोड वोल्टेज वी नॉट के थ्रू एक्सेलरेट होते हैं, डायग्राम में हमने एक्सेलरेटेड वोल्टेज वी ए बोला था पर यहां पर मैंने वी नॉट बोला है क्योंकि टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के अंदर जो हमने डेरिवेशन लिया था उसमें हमने डीसी एनोड वोल्टेज वी नॉट यूज किया था, इसलिए हमारे डेरिवेशन में ज्यादा वेरिएशन नहीं हो, इसलिए एक्सेलरेटेड वोल्टेज में डेरिवेशन में वी ए की जगह वी नॉट यूज करूंगा. सो इफ द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन कैथोड एनोड रीजन बी एक्सेलरेटेड
by DC anode voltage V naught, then the velocity of accelerated electron beam will be. So agar electron cathode anode region mein DC anode voltage V naught se accelerate hote hain, then इस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, V naught इक्वल टू 5.93 इंटू 10^5 रूट ऑफ V naught मीटर पर सेकेंड। सो ये फॉर्मूला जो हमने टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन में डिराइव किया था उसको हम यहां पर एज इट इज यूज कर रहे हैं। हियर V naught इज एक्सेलरेटेड वोल्टेज एंड this formula we obtain same as in two cavity klystron. So two cavity klystron mein jaise humne accelerated electron beam ki velocity nikali thi, agar wo v naught accelerated voltage se accelerate hote hain to wahi formula humko yahan par milega. Now this was our diagram of reflex klystron or single cavity klystron. See hamara cavity resonator hai जो आपका बंचर कैविटी एंड कैचर कैविटी दोनों की तरफ बिहेव करता है, और यहां पर एक्सेलरेटेड वोल्टेज हमारा VA है जबकि यहां पर हम V नॉट यूज कर रहे हैं। नाउ ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द फर्स्ट गैप, सो ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द फर्स्ट गैप इज एक्चुअली नेग्लिजिबल। The transit time across the first gap is neglected, same as in two cavity klystron. तो जैसे two cavity klystron में first gap के across transit time हमारा negligible था, तो यहाँ पर भी transit time across the first gap is neglected. Therefore, the beam enters the gap and travels with velocity v at an instant t1 is given by. So, जो beam गैप में एंटर हुई थी वो t1 टाइम पर अगर वेलोसिटी v से मूव करती है तो उस वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने टू कैविटी क्लिस्टोन में डिराइव किया हुआ है, एंड हियर अल्फा इक्वल टू v1 अपॉन v नॉट एंड इट इज एक्चुअली डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। सिंस v1 इज वेरी मच लेस देन v नॉट, so the value of alpha is very much less than 1, so alpha ki value 1 ke comparison mein bahut kam hogi, so v equal to v naught into 1 plus half alpha sin omega t1, aur ye kaise aa gaya, v naught 1 plus alpha sin omega t1 power half, binomial se isko expand karoge and alpha ki value 1 ke comparison mein bahut kam hai, इसलिए हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सो पावर हमारी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, सो v इक्वल टू v नॉट इनटू 1 प्लस हाफ अल्फा साइन ऑफ ओमेगा t1, सो वी गेट दिस फॉर्मूला हियर। हियर v1 इज RF वोल्टेज, सो RF वोल्टेज यहां पर हमारा v1 है और अल्फा हमारा ये है। नाउ फाइनाइट ट्रांजिट टाइम अक्रॉस द फर्स्ट गैप, अब फर्स्ट गैप के अक्रॉस अगर फाइनाइट ट्रांजिट टाइम निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, व्हेन द ट्रांजिट टाइम और ट्रांजिट एंगल अक्रॉस द गैप इज नॉट जीरो, सो अगर गैप के अक्रॉस ट्रांजिट टाइम जीरो नहीं है, ये ट्रांजिट एंगल जीरो नहीं है, देन द वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इक्वेशन इज मॉडिफाइड एज, तो इस केस में अभी जो हमने वेलोसिटी मॉड्यूलेशन इक्वेशन निकाली थी v equal to v naught into 1 plus half alpha sin omega t1, ये हमारी मॉडिफाई हो जाएगी, तो इक्वेशन हमारी ये थी और ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, v equal to v naught into 1 plus half alpha beta sin omega t1 and here beta equal to sin omega tau g upon 2 divided by omega tau g upon 2 or omega tau g equal to theta g. This is our transit angle and this is transit time. So omega tau g ko agar hum theta g likhein, then beta equal to sin theta g by 2 divided by theta g by 2. So if the transit time or transit angle across the gap is not zero, then the velocity modulation equation is modified as
v equal to v naught into 1 plus half alpha beta sine omega t1. और यहाँ पर ये जो beta है, this beta is given by this relation and it is known as beam coupling coefficient. So beta हमारा beam coupling coefficient है. Thus, the electron entering with velocity v naught at time t1 leaves the gap with above velocity. So जो electron velocity v1 से टाइम t1 पर एंटर होते हैं वो वेलोसिटी v से बाहर निकलेंगे और इस v की वैल्यू v0 into 1 plus half alpha beta sin omega t1 होगी. Therefore, the electron leaving gap at different instant t1 with different velocities in repeller space. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलर स्पेस से अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी से बाहर निकलेंगे क्योंकि t1 की वैल्यू हमारी वेरी करेगी और t1 अगर वेरी करेगा सो v भी हमारा वेरी करेगा. सो द इलेक्ट्रॉन लीविंग गैप एट डिफरेंट इंस्टेंट t1 विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इन रिपेलर स्पेस. द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच लीव्स द गैप एट टाइम t1 corresponds to following equation will suffer no change in their velocity. So, इस equation को जो electron follow करेगा time t1 पर उसमें velocity में कोई change नहीं होगा. So, omega t1 equal to 2 pi n and here n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Now, transit time and mode number. अब transit time and mode number की value निकाल देते हैं. It is found that the electron bunch should reach the resonator cavity at a time when the RF field retard the bunch. So, electron resonator cavity पर उस time पर पहुंचते हैं जब RF field में रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज फाउंड दैट द इलेक्ट्रॉन बंच शुड रीच द रेजोनेटर कैविटी एट ए टाइम व्हेन द आरएफ फील्ड रिटार्ड द बंच. दिस टाइम द इलेक्ट्रॉन बंच गिव देयर एनर्जी टू रीइंफोर्स द ऑसिलेशन विद इन द कैविटी. सो इस टाइम में इलेक्ट्रॉन का जो बंच है वो अपनी एनर्जी कैविटी को प्रोवाइड करेगा जिससे कि ऑसिलेशन वापस स्टार्ट हो जाए. दैट इज इट शुड हैव प्रॉपर ट्रांजिट टाइम. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंच का ट्रांजिट टाइम प्रॉपर होना चाहिए. द ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम फॉर द बंच टू अराइव एट द कैविटी इज n प्लस 3 बाई 4 साइकिल्स आफ्टर द बीम इनिशियली लेफ्ट द कैविटी. सो इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन कैविटी से बाहर निकलते हैं उस केस में जो ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम है बंच के लिए वो 3 बाई 4 साइकिल होगा. इसका मतलब द ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम फॉर द बंच टू अराइव एट द कैविटी कैविटी पर बंच के पहुंचने का जो ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम है वो 3 बाई 4 साइकिल्स After the beam initially left the cavity, cavity को जब beam initially left करती है या छोड़ती है उसका जो cycle है उसके बाद में n plus 3 by 4 cycle होना चाहिए. Now, this was our diagram for electron bunching or for velocity modulation. So, this is half cycle, this is 3 by 4 cycle. And this one is our one cycle. और यहां से यहां तक ये two cycle. इसका मतलब हम इस cycle की बात कर रहे हैं और ये हमारा क्या है one plus 3/4 cycle. If f is the frequency of RF voltage across the gap, then DC transit time that is t naught dash. So अगर RF voltage की फ्रीक्वेंसी f है देन डीसी ट्रांजिट टाइम t0 डैश की वैल्यू क्या होगी
naught dash equal to n plus 3 by 4 divided by f. And this f is the frequency of RF voltage across the gap. And 1 upon frequency is time period. So, this will be n plus 3 by 4 into t. And this t is actually time period of RF voltage across the gap. So, gap ke across jo RF voltage hai, uska time period t hai. And t actual mein frequency ka reciprocal hoga. So, 1 upon f ko humne t likh diya hai. So, DC transit time t naught dash equal to n plus 3 by 4 times of t. Since omega t naught dash is equal to theta naught dash and it is DC transit angle. So, if t naught dash is DC transit time, to DC transit angle aa jayega theta naught dash equal to omega t naught dash. तो हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको थीटा नॉट डैश की वैल्यू मिल जाएगी. सो थीटा नॉट डैश इक्वल टू ओमेगा इनटू एन प्लस 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय एफ एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ व्हिच इज फ्रीक्वेंसी. सो 2 पाई एफ इनटू एन प्लस 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय एफ. सो एफ से एफ कैंसिल कर दो. So, theta naught dash क्या आ जाएगा, 2 pi into n plus 3 by 4. So, theta naught dash equal to 2 pi into n plus 3 by 4 and अगर हम 2 pi को अंदर multiply कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, 2 pi n plus 2 pi into 3 by 4. तो यहां पर 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे. तो 3 by 2 times of pi. So, theta naught dash equal to 2 pi n plus 3 by 2 of pi. So, theta naught dash या DC transit angle की वैल्यू हमको ये मिलेगी. Thus, reflex klystron can be operated at different drift times or at different transit time. So, reflex klystron को हम different drift time ये डिफरेंट ट्रांजिट टाइम पर ऑपरेट कर सकते हैं. एंड दीस टाइम्स कॉरस्पोंड टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. और ये जो हमारे ड्रिफ्ट टाइम्स हैं, ये ट्रांजिट टाइम है, दे डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n. सो n पर डिपेंड करेंगे. तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्लियर है कि थीटा नॉट डैश की वैल्यू हमारी n पर डिपेंड करेगी. These different transit time are referred to as modes. So, ये जो हमारे different transit time है, they referred to as modes. And mode number, अब mode number को हम nn कहेंगे. So, mode number nn की value क्या जाएगी? nn equal to n plus 3 by 4. So, this is our mode number. अब n की value क्या है? उसके according mode number nn की value vary करेगी. The relation between repeller voltage Vr and mode number Nn for fixed value of anode voltage Vo and resonance frequency is. अब अगर anode voltage Vo हमारा fix है and इसके resonance frequency fix है, तो repeller voltage Vr and mode number Nn के बीच में relation है. और वो relation क्या होगा, magnitude of Vr1 plus V0 divided by magnitude of VR2 plus V0 is equal to N2 upon N1. So, this is the relation between repeller voltage VR and mode number N. And here V0 represents the fixed value of anode voltage. Here, magnitude VR1 and magnitude VR2 are the magnitudes of repeller voltage required to operate the reflex klystron in mode numbers N1 and N2. So, mode number N1 mein reflex klystron ke operate hone ke liye repeller voltage hamara magnitude VR1 hai and mode number N2 mein reflex klystron ke operate hone ke liye jo repeller voltage ka magnitude hai wo magnitude of VR2 hai.
सिंस एन एन इक्वल टू एन प्लस थ्री बाई फोर. नाउ एन एन की वैल्यू हमारी ये है. सो फॉर टू एडजेसेंट मोड्स, अब कोई भी दो एडजेसेंट मोड्स ले लेते हैं. सपोज फर्स्ट वाला हमारा एन प्लस थ्री बाई फोर है, इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एन की जगह आप एन प्लस वन रखोगे. सो एन टू इज इक्वल टू एन प्लस वन थ्री बाई फोर. सो फॉर टू एडजेसेंट मोड्स दिस रिलेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर वन प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर टू प्लस वी नॉट इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस थ्री बाई फोर डिवाइडेड बाय एन प्लस थ्री बाई फोर. सो फॉर टू एडजेसेंट मोड्स दिस रिलेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. एंड 3 by 4 means 0.75. So 1 plus 0.75 will be 1.75. So ये क्या हो जाएगा n plus 1.75 और ये हमारा 0.75. इसका मतलब ये हो जाएगा n plus 0.75. So magnitude of Vr1 plus V0 divided by magnitude of Vr2 plus V0 for two adjacent modes is equal to n plus 1.75 divided by n plus 0.75. Now, if we plot a curve between magnitude of Vr and output power in milliwatt and magnitude of Vr versus frequency in gigahertz, then for different modes, the curve is found to be like this. So this is for 1 3 by 4 mode, this is for 2 3 by 4 mode, this is for 3 3 by 4 mode, and here we have F naught and this is delta F. So ये जो कर्व है ये हमारा frequency versus repeller voltage है और ये वाला कर्व output power versus repeller voltage है. The variation of output power that is V out and frequency versus repeller voltage that is magnitude of Vr is shown in these graphs. And these graphs are known as mode curve. अब इन ग्राफ में हमने output power versus repeller voltage and frequency versus repeller voltage शो किया है. और ये जो हमारे curve हैं, इन curve को हम mode curve कहते हैं. So these curves are mode curves. For n equal to zero, the gain mechanism is usually not stronger to overcome system losses. So, अगर n की वैल्यू 0 है तो उस केस में गेन जो मैकेनिज्म है ये जनरली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि सिस्टम के लॉसेस को रिड्यूस कर दे या सिस्टम के लॉस को हटा दे. इट इज फाउंड दैट द हायर मोड्स आर प्रेजेंट एट लोअर रिपेलर वोल्टेज. सो जैसे जैसे रिपेलर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी मोड की वैल्यू हाई होगी, ये जैसे जैसे रिपेलर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी मोड हमारे रिड्यूस होते जाएंगे. और यहां पर क्लियर है कि रिपेलर वोल्टेज इधर बढ़ रहा है, इसलिए ये जो मोड था 3 3 बाई 4 था, ये 2 3 बाई 4 है और ये 1 3 बाई 4 है. इट मीन्स एज द रिपेलर वोल्टेज इंक्रीजेज द कर्व मूव टुवर्ड्स द लोअर मोड साइड. So the higher modes are present at lower repeller voltage. So here we end our session. In the current session, we have discussed about velocity modulation in reflex crystal. So goodbye.